गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज का ब्लॉग अलग होने जा रहा है क्योंकि आप लोगों को बोले थे कि हम लोग जाएंगे तारापुर, पर अभी मौसम प्रॉपर कल से ही पूरा बिगड़ा हुआ है, तो जिस कारण से हम लोग जा नहीं पा रहे हैं तारापुर। तो कोशिश करेंगे हम लोग कल निकलने के लिए। पिछले वाले ब्लॉग में वहाँ के बारे में उतना कुछ नहीं दिखा पाए, तो कोशिश करते हैं इसके ब्लॉग में दिखाने के लिए। तो अभी हम लोग अपने मामा के घर से निकल चुके हैं, जा रहे हैं फ्लाईओवर से होते हुए, तो जैसे जैसे जा रहे हैं लोगों को दिखाते हैं रास्ता। हालांकि बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रहा है, इतना सेक्सी मौसम हुआ पड़ा है भाई, रोमांटिक मौसम है। तो अभी हम लोग चलते हैं फ्लाईओवर। बारिश हुआ है, डर भी लगता है, बहुत स्लो स्लो बाइक को चलाना पड़ा, ज़्यादा भीड़ रहता है, मत पूछो क्या ही बोले भाई इसके बाद। इस ये सब जो रोड देख रहे हैं प्रॉपर श्रद्धालु लोग से पूरा भरा हुआ रहता है, तो आप देख पा रहे होंगे। और भाई सुल्तानगंज का ब्लॉग भाई देख पा रहे होंगे, आदमी तो मार्केट में नज़र ही नहीं आ रहा है, बस बारिश जो हो रहा है, तो यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ही ज़्यादा गिर गया है, तो भाई बहुत ही ठंड लग रहा है बाइक राइड करने। आप देख पा रहे होंगे कितना सुहाना मौसम हुआ भाई। सभी हम लोग सुल्तानगंज के मेन मार्केट से नहीं जा रहे हैं, बाईपास होते हुए जा रहे हैं। आप लोगों को यहाँ का बस स्टैंड भी दिख रहा है, गाड़ी इधर लगता है, कुछ गाड़ी इधर लगता है, देख पा रहे होंगे। तो आज आप लोगों को स्टेशन का भी दर्शन कराते हैं, स्टेशन रोड। तो अभी हम लोग इधर से चलते हैं, निकलते हैं इधर से। अब देख पा रहे होंगे कितना भाई पुराना बिल्डिंग वगैरह सब है यहाँ। तो ये जो है ये जैन मंदिर, नहीं देखें तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में, इस पर भी एक ब्लॉग हम लोग बनाए। ये जो देख रहे हैं तो ये सुल्तानगंज का स्टेशन, हम लोग जा रहे हैं यूनियन बैंक, बैंक का काम करते हैं। सुल्तानगंज स्टेशन है, देख पा रहे होंगे भाई कचरा कितना है, तो कचरा तो होगा ही क्योंकि हुआ है पूरा बारिश, 24 घंटा से बारिश पड़ रहा है बिहार में। ओवरऑल आपको एक बार दिखा दे, और आपको जो बोले श्रावणी मेला के बारे में, तो श्रावणी मेला में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है, बिहार का सोनपुर मेला के बाद इसी को मान्यता दिया गया है। इतना ज़्यादा भीड़ रहता है कि क्या बोले, ये सब रास्ता में आप बाइक चला नहीं सकते हैं, अलाउ नहीं रहता है चलाने, यानी कि भीड़ बहुत ज़्यादा रहता है। अभी तो कुछ ही लोग आप लोगों को दिख रहा होगा, पर अगर आप उस समय आइएगा तो मुझे लगता है कि यहाँ का जो बिहार का होगा लोकल, जो हर साल देवघर जाता है बाबा का पूजा करने के लिए, तो सभी को मालूम होगा कि यहाँ कितना ज़्यादा भीड़ पड़ रहा है। यहाँ पे आप लोगों को बंगाली भी मिल जाएगा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि बंगाली बहुत ही रहता है। इस साइड का एरिया में तो नहीं रहता है, घाट रोड के साइड आप जाइएगा तो उस साइड रहता है बंगाली पंडित जो है वो सब रहता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। हम देख पा रहे होंगे सुल्तानगंज का मार्केट, देख पा रहे होंगे बहुत सारा दुकान भी है, मिठाई वगैरह सब का, कपड़ा वगैरह सब। भाई ये सब सुल्तानगंज में सारा दुकान खाली हो जाता है प्रॉपर, ये सब में कपड़ा का दुकान ही खुलेगा और पूजा पाठ का ही सामान मिलेगा, और आपको सावन में प्रॉपर वही सब चीज़ का दुकान आपको ज़्यादा मिलेगा, और दूसरे चीज़ का बहुत ही कम मिलता है दुकान। तो अभी हम लोग आ गए हैं, चवटिया पार कर रहे हैं, तो अभी हम घाट रोड घुस चुके हैं, तो देख पा रहे होंगे कि भाई कितना ज़्यादा घना है घाट रोड मार्केट, सारा इधर दुकान कपड़ा का ही रहता है सावन के दिन में। अब ये रास्ता तो अभी हम लोग इतना देख रहे हैं खाली, और सावन में तो इतना ज़्यादा भीड़ रहता है कि आप पैदल भी नहीं भूल पाइएगा, तो गाड़ी तो छोड़िए टू व्हीलर या फोर व्हीलर अलाउ ही नहीं है इधर घुसने। देख पा रहे होंगे सर जो प्लास्टिक का डिब्बा वगैरह देख रहे हैं, खाली यही सब आपको बिक्री मिलेगा भाई। यहाँ पे दाह संस्कार के लिए भी बहुत दूर दूर से लोग आता है, क्योंकि बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है हिंदू धर्म के माध्यम से। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं घाट पे, गंगा घाट पे, तो अभी हम आप लोगों को अंदर का भी नज़ारा दिखाते हैं। पहले हम लोग इधर चलते हैं सीधा, उसके बाद मंच पे चलेंगे, तगड़ा चीज डेकोरेट किया गया। आप लोगों को दिख रहा होगा कि कितना कचरा हुआ पड़ा है, ये सारा बारिश का कमाल है भाई। तो गाइस आप सुल्तानगंज से उस पर भी आप जा सकते हैं, ये सरकारी जहाज है मेरे ख्याल से, आप देख पा रहे होंगे, और इधर आप लोगों को टिकट मिल जाएगा इस साइड से,
इधर से आ सकते हैं इधर। अभी तो बहुत ही ज़्यादा फिसलन है भाई, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है अभी पैदल। इधर जो आप देख रहे हैं टीला को, उस टीला को आपको पिछले वाले ब्लॉग में ही बताया, मस्जिद है मुस्लिम लोग मंदिर टाइप पे। तो भाई कचरा हम लोग जिधर जाने वाले थे उधर रास्ता ही ब्लॉक कर दिया गया है। देख पा रहे गाइस पहुँच तो चुके हैं, पर भाई सारे जगह से ब्लॉक किया हुआ है। क्यों ब्लॉक किया ये तो नहीं पता। वो जो है वो शमशान मतलब जहाँ जलाया जाता है मुर्दा को, उस जगह बनाया गया है। अब जो कंस्ट्रक्शन वाला पुल देख रहे हैं वो पर उस पार जाने के लिए बन रहा है, तो मेरे ख्याल से आधा बन चुका है। तो आप देख पा रहे हैं पानी, अभी आप लोगों को दिखाते हैं भाई ये अभी काम हो रहा है। भाई अभी बहुत काम बचा हुआ है, आप देख सकते हैं। कोशिश करते हैं अंदर जाने का, अगर जुगाड़ बैठा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जा सकते हैं। तो आप ये जो रेलिंग देख रहे हैं यहाँ पे सारे जगह अंदर होगा सीढ़ी, तो करीब करीब 10 फीट नीचे सीढ़ी है। तो ये पानी आने के कारण सारा मिट्टी भर चुका है, तो आप देख पा रहे हैं। तो अभी हम लोग चलेंगे उधर उस टीला पे भी, तो अभी अंदर देखते हैं जाके। तो जुगाड़ बैठा के हम लोग घुस चुके हैं, देख रहे हैं यहाँ पे धस रहा है पैर, तो सावधानी पूर्वक हम लोग चलेंगे उधर भी। तो आप देख सक रहे होंगे भाई लहर को, तो भाई बहुत ही ज़्यादा कचरा फैला हुआ है। तो भाई मुझे तो डर ही लग रहा है, पूरा दलदल दलदल ऐसा हुआ पड़ा है। तो हम लोग इधर से चलते हैं, और जुगाड़ बैठेगा दिखाने का दिखाएं। तो भाई सब देख रहे हैं, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, देख रहे हैं। तो ऊपर ये 10 फीट नीचे है, तो मिट्टी के कारण ऊपर नीचे चला गया है। अब देखिए ऐसा बन रहा है सुल्तानगंज में घाट। बताइए कमेंट सेक्शन में कि सीन कैसा है भाई। तो जिसमें प्रॉपर बन जाएगा तो हम लोग दिखाएंगे। तो भाई ये देख रहे हैं अंडरग्राउंड बनाया गया है, क्या सोच के इतना अंडरग्राउंड यहाँ पे बनाया गया, तो यहाँ का इंजीनियर ही समझे। तो भाई हम लोग इस जगह भूल रहे हैं क्योंकि इस जगह मिट्टी थोड़ा सा ठोस है, तो उस साइड हम लोग नहीं जा रहे हैं, उस साइड शायद दलदल ऐसा है। तो कोशिश करेंगे उधर जाने का भी। तो अभी हम लोग जाते हैं, करीब करीब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ बनाया जा रहा है। तो ऐसा सीन आपको पटना में ही मिलेगा, पटना घाट पे। तो आप देखिए भाई, बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा है नहीं है। तो अभी हम लोग चलते हैं, जुगाड़ बैठ गया भाई, सब देख रहे होंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का भी अभी काम चल ही रहा है। भाई आप लोगों को उस साइड दिख रहा होगा जहाज़ को, तभी वो जहाज़ उस पर जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा है नहीं है। तो देख पा रहे होंगे कितना भाई शानदार चीज़ बनाया जा रहा है सुल्तानगंज में। तो गाइस लोग देख रहे होंगे, तो गाइस अब इधर से मना कर दिया गया है, तो इतना ही। अब हम लोग इधर से निकलते हैं, चलते हैं, आप लोगों को और कुछ दिखाएंगे बाद में। क्या है इस बारे में बताते हैं आपको अंदर में, अंदर जाके। तो आप देख पा रहे होंगे भाई सुल्तानगंज में भी ऐसा सब दृश्य है देखने लायक। ऐसा है यहाँ का कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तो अंदर नमाज पढ़ा जाता है, आप लोगों को अंदर कोशिश करेंगे दिखाएं। चलते हैं थोड़ा सा वादियाँ का भी सैर करते हैं, देख रहे हैं इससे ज़्यादा तो अंदर रास्ता है ही नहीं, पर कुछ दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ से भी। इस पीछे वाला साइड है, पीछे से भी रास्ता है, आप राउंडिंग कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा साइड,
वह बहुत ही ज़्यादा ऊंचा पे है, तो इस साइड भाई आप प्रॉपर मस्जिद मस्जिद का चक्कर मार सकते हैं। प्रॉपर रास्ता है, तो अभी इस तरह का इलाका है इधर। आप लोगों को नदी का भी नदी दिख रहा होगा आई होप। भाई कितना ज़्यादा गड्ढा है यहाँ, बहुत ही ज़्यादा गड्ढा है। तो भाई अभी हम लोग के साथ हो गया पोपट, अभी मैं पीछे लग गए थे और फ़ोन भी गिर गया, शायद आई होप कुछ हो ना। तो भाई बारिश जो पड़ा है इसी कारण से ये फिसलन इतना है। तो भाई हम लोग बहुत ही संभल के अब जा रहे हैं, तो हो सके अल्लाह भगवान जो भी बोले हम लोगों को माफ़ करे अगर कुछ गलतियाँ हो, तो आई होप कुछ ज़्यादा नुकसान ना हो फोन को। भाई ब्लॉगिंग में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, इशू आ जाएगा। तो अभी हम लोग अब यहाँ से चलते हैं। बस आप लोगों को उस जगह आपको दिखाए और अभी इधर का आप नज़ारा एक बार ले लें तो बेहतर से दिखाएं, बढ़िया से दिखा देते हैं। तो आप देख रहे हैं सावन में यहाँ पे बहुत ही भव्य मेला लगता है, श्रावणी मेला। और दूसरी बात यहाँ पे जो आरती होता है शाम में बहुत ही भव्य होता है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अजगैबीनाथ। गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अपना पार्क। थोड़ा देर यहाँ हम लोग बैठेंगे, चिल करेंगे, मस्ती करेंगे, साथ अपना घर निकलेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितना शानदार जिले ब्लॉग में हम लोग आए थे, तो इस जो सीढ़ी आप देख रहे हैं यहाँ तक पानी था और अभी तो बहुत ही काफ़ी पीछे चला गया है पानी। इस सीढ़ी तक था यहाँ तक, तो अभी तो काफ़ी नीचे चला गया है, करीब 20-25 फीट नीचे। तो देख रहे हैं कितना भाई शानदार बनाया गया है सीन को। इधर बाबा अजगैबीनाथ इधर हैं। तो हम लोग कभी प्रॉपर ओवरऑल एक ब्लॉग इस पर भी लाएंगे, एक पिछले वाले ब्लॉग जो अजगैबीनाथ पे लाए थे, तो कुछ ही देर का ब्लॉग है, ज़्यादा देर का ब्लॉग तो है नहीं, तो ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाए हम आपको क्योंकि अंदर अलाउ नहीं किया जाता है वीडियो बनाने का। तो हम लोग जाएंगे, परमिशन लेंगे। तो अभी एक बार आप देख लीजिए इधर का भाई पानी, मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा गड्ढा होगा इधर। देखिए भाई मौसम कैसा है आप बताइएगा। तो भाई आप ये जो सीन आप देख रहे हैं प्रॉपर ऐसे, तो आपको बनारस के घाट के जैसा दिखेगा। तो गाइस वीडियो को आप यहीं पे समाप्त करते हैं ब्लॉग को। तो वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। तो तब तक के लिए चिल करें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें आप लोग। तो बाय, लव यू।